गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम मनमीत कौर एंड यू आर वॉचिंग दिस चैनल मनमीत दीपाई। सो ये कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग नहीं है, एक नॉर्मल सिंपल सा ब्लॉग है। मुझे अपना मतलब हेयर कट करवाना था बेसिक सा, क्योंकि मेरे हेयर्स काफ़ी डैमेज हो गए हैं नीचे से स्ट्रेटनिंग के वजह से। एंड काफ़ी मंथ से मैं सोच रही थी बट मैं करवाने नहीं गई, क्योंकि मैं अपने हेयर्स को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ। मुझे डर लगता है कि शायद गलत ना काट दें या कुछ ऐसा ख़राब सा ने ऐसी सा हेयर कट ना कर दे, सो इसीलिए। बट अब एग्जाम्स का तो मैंने सोचा कि ठीक है, मम्मा ने बोला मैं भी चलूँगी और तुम्हें सजेस्ट कर दूँगी क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं। तो मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया है यहाँ पे बिस्टुपुर में टच ऑफ क्लास करके सैलून है, उसने बोला वहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है, उसने करवाया भी है। सो मैंने बोला अच्छा ठीक है, उसे भी जाना था तो उसने बोला कि मैं भी पहुँच रही हूँ और तुम भी आ जाओ, काफ़ी अच्छे प्राइसिंग में सर्विस अच्छी बेस्ट प्रोवाइड करते हैं। सो मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो मैं आपको वहाँ पहुँच के बताती हूँ क्या है क्या नहीं, नॉर्मल सा है, शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, बने रहिएगा ब्लॉग पे। सो गाइस जैसा कि देख सकते हैं आप, हम लोग पहुँच गए, मेरी फ्रेंड ऑलरेडी वहाँ पहुँची हुई है क्योंकि उसने बोला था कि मैं पहुँच में जा रही हूँ, उसने अपना स्टार्ट करवा लिया सबसे बेस्ट फीलिंग यही है, हेयर वॉश की बेस्ट फीलिंग है, मतलब मज़ा ही आ जाता है, जाओ और सबसे पहले ये करवाओ बेस्ट। वहाँ ना मतलब बहुत ही पोलाइट स्टाफ था सारा, बहुत अच्छे से उन्होंने, हाँ हाँ खुशी तो देखो इसकी। बेसिक सा हेयर कट करवाया था क्योंकि मेरे नीचे बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं हेयर स्ट्रेटनिंग के बाद, बट अब देखते हैं क्या है। मुझे वहाँ इन्होंने भी कुछ सजेस्ट किया है कि जिससे थोड़ा अच्छा लगेगा। अब वो तो कटिंग के बाद ही पता चलेगा, तो जल्दी जैसे रिस्क लेती नहीं हूँ, बट मुझे बोला है कि बेटर होगा अच्छे से। मैंने सोचा नहीं था कुछ ऐसा करवाने का बट सडनली कर लिया, उन्होंने वहाँ मुझे ऐसे सजेस्ट किया तो मैंने सोचा ठीक है। तो गाइस हम लोग निकल गए हैं, बहुत ही अच्छी सर्विस थी तो बोलेंगे आप लोग भी आओ, एंड बेस्ट था, बस मुझे जैसा चाहिए था मुझे मिल गया। मैं आपको एक लोकेशन भी दिखा दूँगी ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो अगर आप आना चाहें। तो या गाइस अब हम लोग घर जा रहे हैं, ये तो ज़्यादा मेरी एक फ्रेंड नाराज हो गई है क्योंकि उसको भी आना था एंड वो आ नहीं पाई, सडन प्लान बना हमारा। तो या गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मेरा ये न्यू हेयर कट, हमेशा मैंने सिंपल नॉर्मल बेसिक हेयर कट रखा है, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा हेयर कट करवाया, पता नहीं क्या हुआ मुझे। क्या हो गया था करवाने, तो मैं एक नॉर्मल सा कट करवाने गई थी बट उन्होंने कहा, तो मैंने बोला ठीक है ट्राई कर लेते हैं, मम्मा ने भी बोला ओके। तो आप लोग मेरे को जरूर बताना कैसा लगा क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, और कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं इस वीक में डालने को, पोस्ट करने को ब्लॉग में, सो मैंने इसी पे ब्लॉग बना लिया। अब जल्दी कुछ इंटरेस्टिंग लाने की कोशिश करूँगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, मेरे चैनल को सपोर्ट करो, टू लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो, बाय बाय, ध्यान रखना।